आज हम बेंटामिन हुकर सिस्टम के 5 सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे। पुराने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बेंटामिन हुकर सिस्टम को शुरू कर दिया था और हमने लास्ट में एक आउटलाइन या चार्ट के रूप में हमने इसको देखा था और साथ में ये भी देखा था कि किस प्रकार से उस चार्ट में मैंने ये भी बताया था बच्चों आपको कि किस प्रकार से सीरीज को कोड वर्ड के हिसाब से आपको याद करना है ताकि एग्जाम में आपको वो इजीली याद रह सके। आज हम शुरू करेंगे अब डाइकॉट की पॉलीपेटली सब क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं पुराना वापस रिविजन ये कर देती हूँ कि एंजियोस्पर्म के अंदर डाइकोटिलेडन्स मोनोकोटिलेडन को रखा गया था और डाइकोटिलेडन्स के अंदर पॉलीपेटली गैमोपेटली एंड मोनोक्लमाइडी का डिवीजन किया था हमने। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे पॉलीपेटली के बारे में। पॉलीपेटली वह है जिसके अंदर की पेटल्स फ्री होती हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है पॉली एंड पेटल्स। और इसके अंदर जो 3 डिफरेंट सीरीज है थैल्मिफ्लोरी डिस्सीफ्लोरी कैल्सीफ्लोरी उसका अध्ययन करेंगे और याद ये भी बताया था कि इनको TDC के नाम से हम इसको याद कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं पॉलीपेटली। अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं पॉलीपेटली। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि पॉलीपेटली, पॉली का मतलब अलग अलग सेपरेट एंड पेटली से मतलब है पेटल्स। तो पॉलीपेटली सब क्लास के अंदर वो प्लांट्स रखे गए हैं, सीड प्लांट्स रखे गए हैं जिसमें कि पेटल्स आर फ्री, पेटल्स आर सेपरेट, जुड़ी भी नहीं अलग अलग है। तो पॉलीपेटली के मुख्य कैरेक्टर्स क्या हो गए? वे फ्लावर्स जिसके अंदर की पेरेंट का 2 चक्र पाया जाता है, 2 पेरेंट से मतलब है परिदल पुंज। तो एक अंदर का चक्र है एक बाहर का चक्र है। जो अंदर का चक्र है वो पेटलॉइड होता है अर्थात पेटल बनाता है, पेटल कहलाता है मतलब पेटल से बनता है। और वो कैसा है? इंपॉर्टेंट करेक्टर है, वो पॉलीपेटलस है अर्थात पेटल्स आर फ्री। कभी कभी किसी किसी केस में इतने भी गेमोपेटलस। तो पॉलीपेटली को सब क्लास को 3 सीरीज में डिवाइड किया गया। TDC मैंने बता चुकी हूँ, तो थैल्मी फ्लोरी डिस्टी फ्लोरी एंड कैल्सी फ्लोरी कैल्सी फ्लोरी। थैल्मी फ्लोरी के अंदर हमारे पास कौन कौन सी सीरीज, इसमें रेनेल्स है जैसा कि हम पढ़ चुके हैं ना, रेनेल्स है, पेराइटल स्पोर्ट्स में आपके कैरोफिलिनी है, गट्टी पेरेल्स है एंड मालवेल्स है। तो थैल्मी फ्लोरी के अगर हम कैरेक्टर देखते हैं तो थैल्मी फ्लोरी में सेपल्स या तो फ्री है या जुड़ी हुई है, स्टैमिन्स इसमें हमेशा हाइपोगैनस कंडीशन है एंड ओवरी उसकी वजह से क्या होता है सुपीरियर हो जाती है। मैं थोड़ा सा बता दूं हाइपोगाइनस, इसको ऐसे याद रखेंगे, हाइपो मतलब नीचे एंड गाइनोशियम से मतलब हुआ गाइनस का मतलब गाइनोशियम। तो गाइनोशियम के नीचे से फूल के दूसरे भाग निकलेंगे। आपको ये भी पता है कि फूल के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं ना। एक अगर कंप्लीट फ्लावर है तो उसमें सबसे नीचे सबसे बाहर वाला चक्र क्या कहलाता है? नॉर्मल फ्लावर में कैलिक्स कहलाता है। उसके भी अंदर जो चक्र होता है वो कोरोला कहलाता है। उसके अंदर जो चक्र होता है वो स्टैमिन्स का होता है जिसको हम एंडोशियम कहते हैं। और उसके अंदर का जो चक्र होता है जिसमें की कार्पल्स होती है वो क्या कहलाता है? गाइनोशियम कहलाता है। तो इस जो थैलेमी फ्लोरी है तो ये सब जो चक्र होते हैं फूल के सारे जो चारों चक्र होते हैं ये कहाँ लगे होते हैं? थैलेमस पे लगे होते हैं। जो डंडी होती है फूल की जिसको हम पेडिसिल बोलते हैं, उसके टिप भाग पे थैलेमस होता है वहां पर ये लगी हुई होती है। तो इसमें गाइनोशियम सबसे ऊपर हो गया और बाकी जो फूल के दूसरे चक्र हैं अर्थात स्टैमिन्स है, कार्पल है, स्टैमिन्स है, पेटल्स है और कैलिक्स है, वो ओवी के नीचे की तरफ से निकलते हैं अर्थात ओवी सुपीरियर इन द केस ऑफ थैलेमस फ्लोरी। देन डिस्टिफ्लोरी, डिस्टिफ्लोरी के अंदर अगेन सेपल्स या तो जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं, स्टैमिन्स की संख्या निश्चित है, लेकिन डिस्टिफ्लोरी है ना, इसका नाम इसलिए रखा है कि इसमें एक डिस्क प्रेजेंट होती है ओवरी के बेस पर या उसके साइड में, ओवरी के बेस के साइड में वहां पर एक डिस्क प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा आप समझ सकते हैं, जेरेनियल्स ऑर्डर में रूटेसी फैमिली आती है उसके अंदर आपको खुशबू आती है ना। तो इसके अंदर जो ओवरी है उसके बेस पर एक डिस्क नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कि नेक्टी ग्लैंड भी कहते हैं। तो इस प्रकार से पाया जाता है इसलिए इसको डिस्टिफ्लोरी भी कहते हैं। सो डिस्क इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ओवरी इन केस ऑफ डिस्टिफ्लोरी। और इसमें भी फूल जो होता है वो हाइपोगाइनस है अर्थात ओवरी क्या होगी इसमें सुपीरियर होगी। एक बात ध्यान रखें, जब हाइपोगाइनस फ्लावर होता है तो गाइनोशियम के नीचे अर्थात गाइनोशियम सबसे ऊपर अर्थात ओवरी सुपीरियर और बाकी भाग
नीचे, तो ये फूल क्या कहलाता है, हाइपोगाइनस और ओवरी सुपीरियर दोनों रिलेटेड टर्म्स हैं। तीसरा आता है कैल्सिफ्लोरी। कैल्सिफ्लोरी सीरीज के अंदर सेपल्स यूनाइटेड हैं, कभी फ्री भी हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात में पेरीगाइनस या एपीगाइनस कंडीशन। अभी तक तो हम दोनों देख रहे थे कि हाइपोगाइनस कंडीशन है ना थेल्मिफ्लोरी और डिस्टिफ्लोरी के अंदर, लेकिन कैल्सिफ्लोरी में हमको या तो पेरीगाइनस कंडीशन मिलती है या एपीगाइनस कंडीशन मिलती है, उसकी वजह से ओवरी या तो हाफ इंफीरियर होगी या इंफीरियर होगी, अर्थात हाफ इंफीरियर या अधोवर्ती ना। अधोवर्ती का मतलब है कि ओवरी नीचे और बाकी सारे जो भाग है कैलिक्स कॉलोसेम्स, ये ओवरी के ऊपर की तरफ से निकलते हैं या मतलब निकलते हैं। तो इस पॉलीपेटली की एक और खासियत, इसमें ये बात है कि इसमें ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी एडवांस दिखाई देता है थैलेमस के रूप में। तो हाइपोगाइनस स्टार्टिंग में है और बाद में धीरे धीरे ये पेरी और एपिगाइनस कंडीशन की तरफ बदल जाती है। तो देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ दिस कंडीशन फ्रॉम हाइपोगाइनी टू एपिगाइनी, इसके बीच में आ जाएगा पेरीगाइनस कंडीशन। तो थैल्मिफ्लोरी में क्या होता है, जो थैलेमस होता है पुष्पासन जिसको हम बोलते हैं, जैसे अपन जिसको बोलते हैं, वो कोनिकल होता है या इलोंगेटेड होता है या कॉन्वेक्स हो सकता है, लेकिन डिस्टिफ्लोरी में धीरे धीरे फ्लैटेंड हो जाता है डिस्क के रूप में, और लास्ट जो कैल्सिफ्लोरी है उसके अंदर या तो ये कॉनकेव एक छोटा सा गर्त नुमा हो जाता है या फिर गहरे कप की तरह हो जाता है और बाद में ओवी से जुड़ जाता है। तो हाइपोगाइनस में ओवी सुपीरियर है, पेरीगाइनस में जो ओवरी है वो हाफ इंफीरियर कह सकते हैं, लेकिन जो थैलेमस है वो थैलेमस जो थैलेमस है वो ओवरी वॉल से जुड़ता नहीं है, अर्थात ओवरी कप में तो चली जाएगी लेकिन ओवरी और थैलेमस की जो वॉल है वो अलग अलग दिखाई देती है। और एपिगनेस में जो ओवरी वॉल इस प्रकार से ओवरी चला जाता है कि ओवरी वॉल और थैलेमस दोनों ही आपस में जुड़ जाते हैं, इस कंडीशन को एपिगनेस कंडीशन कहा जाता है, और इस केस में ओवरी इंफीरियर होती है। अब आता है आपका थैल्मी फ्लोरी ना। अभी हमने देखा पॉलीपेटली में तीन सीरीज बताई थी मैंने आपको, थैल्मी फ्लोरी, डिस्टी फ्लोरी एंड कैल्सी फ्लोरी। हम एक एक को कुछ कलर पिक्चर की तरह देखें ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। थैल्मी फ्लोरी के अंदर रेनेल्स, पैराटेल, पॉलीगेलेनी, कैरियोथिलेनी, गतिफेरस एंड मार्वेल्स, ये इसके 6 ऑर्डर है। इसमें रेनेल्स के अंदर एक फैमिली कोर्स में रेनेनकुलेसी, पैराटेल्स के अंदर पेपावरेसी है, क्रूसीफेरी है एंड कैपरेडेसी है, पॉलीगेलेनी में कोई फैमिली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, कैरोफिलेनी के कैरोफिलेसी है, गतिफेरस में भी नहीं है, मालवेल्स के अंदर एक फैमिली मालवेसी। तो रेनेनकुलेसी के एग्जांपल्स रेनेनकुलस एक्वेटिलिस, एकोनिटम है, डेल्फिनियम है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं डेल्फिनियम जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसमें कई सारे कलर होते हैं, बहुत सुंदर प्लांट है, सीजनल प्लांट है, विंटर सीजन का प्लांट है, तो ये रेनेनकुलेसी से बिलोंग करता है, दिस इज डेल्फिनियम। देन पेपावरेसी में सबसे इम्पोर्टेंट इसके पेपावर सोमनीफेरम, देन आर्जीवन मैक्सिको, पेपावर सोमनीफेरम इज पॉपी जो कि जिसे अफीम भी बोलते हैं, खसखस के दाने भी इसी से निकलते हैं। आर्जीवन मैक्सिकाना जिसका कॉमन वीड प्लांट है और सत्यानाशी इसको कहा जाता है, और क्रूसीफेरी में ब्रैसिका की कई स्पीसीज होती है, आइवरी समारा है, कैपेडेसी के अंदर क्लियोम की स्पीसीज है, कैपरिस स्पीसीज है जिसको कि हम केयर भी कहते हैं। तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है आर्जीवन मैक्सिकाना जो कि पेपावरेसी का एग्जाम्पल है, ये है पॉपी पेपावर सोमनीफेरम, ये आपको दिखाई भी दे रहा है, ये फ्रूट है जिसके अंदर से खस के दाने निकलते हैं, इससे अफीम प्राप्त किया जाता है। ये कैरोफिलेसी का स्टील एरिया प्लांट है, स्टील एरिया मीडिया जो कि एक प्रकार से वीड है, जब ये पालक और ये सब्जियां आती है उसके बीच में ये वीड की तरह ये ग्रो कर जाता है। ये है मालवेसी का, आप सब जानते ही, अपने कॉलेज के गेट के वहां भी लगा हुआ है, जैसे अपन पोर्च में एंटर होते थे वहां लगा हुआ है, दैट इज द गुड़हल जिसको हम कहते हैं, और बॉटनिकल नेम इसका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। और ये है प्लांट, ये भी हमारे कॉलेज कैंपस में खूब लगता है, इस समय बहुत लगता है, जुलाई अगस्त सितंबर में आपको दिखाई देगा, ये पीले रंग का फ्लावर उसमें होता है, दैट इज द क्लियोम विस्कोसा। ये है कैरोफिलेसी का एग्जाम्पल डायंथस जो कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑर्नामेंटल फ्लावर होता है इसका, और इसमें डबल पेटल्स का भी आता है और ये सिंगल चक्र वाला भी होता है। तो ये एग्जाम्पल्स हुए कुछ थैल्मी फ्लोरी के। डिस्टिफ्लोरी, डिस्टिफ्लोरी मैंने आपको बताया कि जिसमें एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ओवरी के चारों तरफ या उसके आसपास दिखाई देता है, जिसमें कि जो कि रूटेसी इसको बताते, हम इसको रूटेसी के एग्जांपल से पढ़ेंगे। इसके अंदर ऑर्डर्स बताए थे आपको मैंने, गोक्स आपको मैं शॉर्ट फॉर्म बताया था, GOCS, जेरेनियस, ओलिकल्स, एलेस्टिस एंड सेपेंडेंस,
इसमें खाली एक ही आपकी फैमिली कोर्स में, दैट इज रूटेसी। तो रूटेसी के कुछ एग्जांपल्स ये आपको बताएं, यहाँ पर रूटा ग्रेविलेंस ये आपको दिख रहा है, ये रूटा ग्रेविलेंस है। देन ये है आपका सीट्रस की स्पीसीज, जिसको कि हम नींबू या लेमन कहते हैं। और ये आपको दिखाई दे रहा है बिलपत्र, ईगल मार्मिलोस। आजकल ये आप जो लोग सावन के सोमवार करते हैं उसमें शिव जी को जो बिलपत्र चढ़ाते हैं ना, तीन पत्ते वाला जो होता है, दैट इज ईगल मार्मिलोस, इसको बिल्ला या बिलपत्र बेल भी कहते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस इज मुराया पेनिकुलेटा, हमारे कॉलेज के अंदर लग रहा है इसको, मधु का मधु मालती, बहुत अच्छी इसमें फ्लावर्स में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। और ये प्लांट आपको याद आएगा, दैट इज मुराया कोइनाइगी, जिसको कि हम मीठा नीम या कड़ी पत्ता भी कहते हैं। तो ये भी हमारे कॉलेज में लग रहा है। तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्टिकोरी फैमिली, सॉरी डिस्टिकोरी सीरीज। नाउ कैल्सिफ्लोरी, कैल्सिफ्लोरी के अंदर सीबीसी अभी हम चल रहा है, हमारा पॉलीपेटेल ही चल रहा है अभी तक। इसमें आपको रोजेल्स हैं, मेटेल्स, पैसिफ्लोरेल्स, सिकोइडेल्स एंड अम्बिलेज। रोजेल्स के अंदर हमारे पास दो फैमिली कोर्स में, देन रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी। रोजेसी के एग्जांपल्स हैं रोजा इंडिका, जिसको कि हम गुलाब कहते हैं, रोज कहते हैं, मेलस सिल्वेसिस एप्पल, प्रूनस अमेरिडेलस बादाम। देन लेग्यूमिनेसी के अंदर है पाइसम सटाइवम मटर, जिसको कि मटर कुल भी कहते हैं लेग्यूमिनेसी को। ये मटर कुल में तो पाइसम सटाइवम मटर है। देन टैमरिंडस इंडिकस इमली, जिसको कहते हैं केसिया की कई स्पीसीज है, केसिया टोरा, केसिया फिस्टुला, डेट इज अमलतास। देन डेलोनिक्स रीजिया, जिसको हम गुलमोर कहते हैं, वो भी इस फैमिली के अंतर्गत आता है। अकेशिया की कई स्पीसीज है, जिसको कि हम देशी बबूल भी कहते हैं। एक अकेशिया है जो इसकी कई सारी स्पीसीज होती है, एक देशी बबूल भी होती है, अकेशिया निलोटिका। देन मिर्टेल्स के अंदर एक फैमिली है आपके कोर्स में, मिर्टेसी ओनली। और मिर्टेसी के अंदर ये सब, इसकी बड़ी स्मेल होती है इसके हर प्रोडक्ट में, साइजिडियम एरोमेटिकम इसका एग्जाम्पल है। देन कैलिस्टोमन, इसको बॉटल ब्रश कहा जाता है। यूकेलिप्टस स्पीसीज, इसको सफेदा भी कहा जाता है। नीलगिरी का जो तेल है वो इसी प्लांट से निकलता है, और बड़े बड़े इसके हाइट के प्लांट होते हैं। सीजियम गुआजावा या गुजावा, इसके अमरूद इसको कहते हैं। और साइजिडियम जेम्बो, जिसको कि हम जामुन कहते हैं। साइजिडियम एरोमेटिकम जो है एक प्रकार से लौंग है, जिसकी की अनओपन फ्लावर बड की है, मसालों में यूज की जाती है। देन कुकरबिटेसी, कुकरबिटेसी जो पैसी फ्लोरेल्स है उसका उसकी फैमिली है, इसको हम खीरा फैमिली भी कहते हैं। इसमें कुकरबिटा मैक्सिमा, जिसको कि हम कद्दू कहते हैं, लूफा की दो स्पीसीज होती है, लूफा एक्यूट एंगुला, जो कि अपनी तरोई होती है, और एक होता है लूफा सिलिंड्रिका, जो कि चिकनी चिकनी वाली जो गिलका तरोई जिसको कहते हैं। देन लेजिनेरिया वल्गेरिस, जो लौकी जिसको कहते हैं, तो ये कुकरबिटेसी के अंतर्गत आता है। देन एपीएसी धनिया कुल, जिसको हम कह सकते हैं कोरिएंडर फैमिली है। इसके अंदर एपियम ग्रेविलेंस सुआ, जिसको कहते हैं, ये भी एक खेतों में आपको मिल जाएगा पालक इनके साथ में। देन कोरिएंडम सटाइवम, दैट इज आपका धनिया कोरिएंडर, डेकोस कराटा गाजर, फोनिकुलम वल्गर सौंफ, ट्रेकिस्पर्मम एमी अजवाइन, क्यूमिनम साइमिनम जीरा। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स बिलोंगिंग टू कैल्सिफ्लोरी सीरीज।